बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार अज चंडीगढ़ के डीसी अफसर में अपना नामजदगी भरन आए हैं। गलबात करेंगे डॉक्टर रितु जी सरनम जी ने। रितु जी अज अपनी नामजदगी भरन आए हो, की लगता किवें दे रहण वाले ने चोणा? चढ़दी कला महाराज, ये फैसला साढ़े हक च आऊ और पक्का, क्योंकि जनता समझ चुकी है जे तो आप लत्तां जुत्तियां हुण भी खानी है तो इन्हां दे वल चल जाओ, इन्हां नूं वोट पा दो, तो जे तो तुसीं अपना भला करना चंडीगढ़ का भला करना, जे चंडीगढ़ की जनता नूं पढ़ना, चंडीगढ़ की जिहड़े इत्थे जमे पले ने उन्हां नौकरियां चाहीदियां। 30-40 साल हो गए जिहड़ा मकानां च रहिंदे, उही मकान तुहाडे नहीं है, तुहाडा मालिकाना अधिकार ही नहीं है, तो तुहानूं डॉक्टर रितु नूं चुनना हैगा। जे तुहाडे बच्चे अच्छी शिक्षा प्राप्त करन, वधिया पढ़न, डॉक्टर रितु जे पढ़न वधिया यूनिवर्सिटी जाण, तो तुहानूं डॉक्टर रितु नूं चुनना है, बहुजन समाज पार्टी नूं वोट पाना है। जे वधिया जे पढ़नगे तां पैसे होंगे तां ही वधिया पढ़नगे, उही मैं कह रही हां। एमपी चुनण नाल तां वधिया नहीं पढ़ सकदे, एग्जैक्टली यही मैं कह रही हां कि तुसीं कह रहे हो एमपी चुनण नाल, तुसीं मैनूं दस्सो कि पार्टी दे होर भी ते पोस्टां हुंदियां, होर भी ते काम हुंदे, छोटे पद्धर ते चले जाओ, छोटे छोटे नेता जिहड़े लीडर बने उहनां ने चीट कीता है, हर बस्ती हर कलोनी च तुसीं चल जाओ, एक इन्हों का दलाल बैठा है जो लोगों को भरमित कर रहा है, भटका रहा है इधर उधर, काम होया ही नहीं जी मुद्दों से। तुम मेरी रिपोर्ट कार्ड तो मंग नहीं सकते, मेरा इतिहास तुम देख, पहले तुम मैंने इन्हों की रिपोर्ट कार्ड दिखाओ, 10 साल इन्हों के, तो बाकी जिन्हें 60 साल है उन्होंने दिखाओ कि इन्होंने की किया, इन्होंने बर्बादी की, इन्होंने लोगों लिए काम नहीं किया, किसान को परेशान किया, बॉर्डर पर बैठे जवानों को मरवाया, उन्होंने परेशान किया, यूथ को परेशान करता, बेरोजगार करता, कोविड के टाइम से जिन्नी बेरोजगारी इन्नी कि कभी नहीं वधी सी जिनी इन्हों के काल से वधी, और कांग्रेस की जो स्ट्रैटेजी सी पूंजीवाद कांग्रेस लेके आई सी, राइट, कैपिटलिज्म कांग्रेस लेके आई सी, लोग इंपलॉयज़ नू ठेकेदारी प्रथा कांग्रेस लेके आई सी, 60 तो 62 जिहड़ा वो करना इंपलॉयज़ का वो कांग्रेस लेके आई सी, इन्होंने की किया, उन्होंने स्लो पॉइजन दिता, इन्होंने स्टैंप लाती, मारिया दोनों नहीं है, इस करके हमेशा ऑल्टरनेटिव वल जाओ, हमेशा तुम रोज़ दाल तो मुर्गा एक खा नहीं सकते महीना एक सालों साल, सो जस्ट प्लीज़ चेंज, और तुम जो चेंज देखना चाहते हो, प्यार देखना चाहते हो, अगे बढ़ना चाहते हो, स्वास्थ्य शिक्षा रोज़गार से गल करना चाहते हो, बीसी बच्चे मैं तुम्हें दस्या यूनिवर्सिटी च बैठे ने अपने रिप्रजेंटेशन रिजर्वेशन लिए, उन्होंने नहीं मिल रहा, हर जगह चोरी हर जगह डाके, जे अपने हितों की गल करनी है तो तुम्हें BSP में वोट पाना, हाथी के निशान से डॉक्टर रितु चुनना अपना सांसद। पर जेकर BJP की गल तो BJP कह रही है कि असी चंडीगढ़ के बहुत कुछ किया, रेलवे स्टेशन हुण तुसीं बंद आ देख सकते हो, सड़कां दे देख सकते हो, सड़कां पूरे तौर पर बंद हुई नज़र आ रही हैं, जेकर बस स्टैंड की गल करिए तो 2 बस अड्डे जिहड़े ने अंतरराजी बनाए गए हैं, हालांकि होर काफ़ी चीज़ां जिहड़ियां जरूर दस्सियां गईयां जदों BJP के उम्मीदवार वोटां मंगां जिहड़े कि लोगों के कोल जांदे ने। बहुत वधिया गल की, हाँ बहुत वधिया गल की, तुसीं उह कहिंदी है, तुसीं क्या BJP कहिंदी आ, उह कहिंदी आ करदी नहीं है, तुसीं मेरे नाल रायपुर स्टेशन बन रहा, हाँ हाँ रेलवे स्टेशन पहली सरकार ने भी शुरू किया सी ना, वो तो जब असी पावर च आवेंगे असी भी बनावेंगे असी वधिया काम करांगे, वो तो ड्रामा हो गया जी, चोन प्रचार करने लिए कुछ ड्रामा तुसी करके दिखाता, तुसी मेरे नाल रायपुर खुर्द चलो, तुसी जाकर देखो हालात, 1.5 किलोमीटर तक कल तो मैं डोर टू डोर कैंपेन की आ, इन्ने पत्थर इन्नी मिट्टी इन्ना बुरा हाल है उत्थे, इन्ना मच्छर मिट्टी धूल कि उन्होंने लोग कहते असं कि रहने सूँ पता है, जे अपने हक्का की मंग करो तो लाल डोर च डोरे के बाहर, जे वोटा लैनी है फिर तो तुम सारे अंदर हो, ये कौन गल्लां करूगा, इस करके तुम अपने सवाल से जवाब देता कि BJP कहती आ कांग्रेस कहती आ करती नहीं है, करती एक ही पार्टी है वो बहुजन समाज पार्टी है, साड़ी पार्टी है, और डॉक्टर रितु सिंह करके दिखाऊगी कहने की लोड़ नहीं। जेकर BJP के कैंडिडेट की गल मनी तो वो कहें भी अगले 5 साल जेकर तुम मंजित आते हो तो अगले 5 साल 50 साल का काम चंडीगढ़ के जाऊगा, उसको किमें दे मोदी की शक्ल से, है मोदी जी की शक्ल से काम किया जाऊगा, तुम जो बेड़ा गर्क करता ना कि अगले 5 साल तो 50 साल का, तुम 50 साल अपने देश को पिछे लै गए, इन्ना तुम बेड़ा गर्क करता, तुम हर एक सताया है, तुम सिर्फ और सिर्फ 20 जड़े जने है पूंजीवादी जिन्हें च आप बार बार अडानी अंबानी वर्गे जे बहर भज गए माल्या वर्गे योजे लोगों पैसा दे के नीरव मोदी जी ने बहर भेजा सिर्फ अपने प्रचार लिए, तुम कम किया मीडिया खरीदन से, तुम कम किया विपक्ष खरीदन से, तुम कम किया तो सिर्फ सिर्फ अपना पैसा वधिया बचाने लिए मीडिया खरीदने लिए, ताकि हुण तुहानूं ये चीज़ पता है कि पैसा बहुत है, पैसा सुट्टो, लोगों का वोट खरीदो, MLA MP खरीदो, तो किद्दां 404 की सरकार बनाओ, हुण क्योंकि 303 है हुण 404 की बना लो, ये चीज़ां जे जनता समझ आएगी, मैं लग रहा है समझ रही है क्योंकि मैं विचर रही हूँ, वो कहते हैं कि जी तुम आए हो बाकी पार्टी के नेता तो हाले तक आए नहीं, और जे आएंगे तो जिद्दां हरियाणा भजा रहा ना पंजाब भजा रहा उदा हुण चंडीगढ़ भी भजाऊगा, तुम देखोगे। अगर कांग्रेस की गल करिए तो कांग्रेस के उम्मीदवार मनीष तिवारी ने श्री आनंदपुर साहब तो MP जरूर रह चुके हैं, चंडीगढ़ के आए ने, कहते मेरी मातृभूमि है, मैं इतने जमया, मैं इतने पढ़िया, उन्होंने किवें देखते हो उन्होंने मुकाबला? अच्छा चल मेरा ना, मैं पहले ही कहता आई डोंट सी एनीवन एज माय कंपटीशन, मेरा कैंप कंपटीशन मेरे आप दे नाल है, मैं जो करके आई हाँ उस तो किवें बेहतर करना, तो मैं
कोई इन्ना वड्डा हो गया इत्थे जमया पहले एड्डा वड्डा काम करता व्हाट डज दैट मीन काम की किता रिपोर्ट कार्ड दो गल्लां ते आपां बहुत करदे आ काम दसो तुसीं अच्छा एक बार रिपोर्ट कार्ड मंग लो उन्हां तों कि डॉक्टर इत्तू कहिंदी सी कि कांग्रेस ते भाजपा दे कैंडीडेट अपनी रिपोर्ट कार्ड दे देण फिर तुसीं ना जनता दे विच विचरो फिर तुसीं कलोनियां च जाओ सैक्टरां च छड्ड दो सैक्टर भी वाले भी दुखी ने वह भी दुखी ने कहिंदे नीड बेस्ड चेंज कहिंदे कर लो जद माड़ा मोटा अंदर कर लो ते परचे दे देंदे ने आके वह भी दुखी ने गल ये आ कि गल्लां ही कीतियां ने रिपोर्ट कार्ड मंगो एक वीडियो उह लायो दूजी वीडियो जनता दे विच जाके लायो जो सताई है ना जे जनता जिन्हां ने हक खो के खाए ने वो एक की जानणगे लोकां दा दुख जिन्हां ने कभी एसी दी गड्डियां जो बाहर निकल के नहीं देखिया जिहड़ी ग्लैमर इंडस्ट्री वाली इहनां दी भैण जी किरण जी वह इतने कभी बैठी है वह मुंबई जाके कभी लोग कहते कि कभी कहती करोना हो गया कभी कहती मैं मुंबई बैठी हाँ एक पिंड उन्हें उन्हें गोद लिया जी कि पिंड सगा राम दरबार के अंदर आंदा कोई कोई कलोनी गोद ली सी हाँ हलू माजरा हाँ वह कहते कि एक बार आ जाए ना तेनों आप दसागे इस बार आ के एक बार देखे नहीं भाई जे तुसी किसी बच्चे गोद ले तुसी रोटी नहीं खवाओगे तुसी उसकी परवरिश नहीं करोगे तो ये तो धोखे जो रहन दे युवा पीढ़ी को अपॉर्चुनिटी मिली है पढ़े लिखियां नू पंजाब नू भी चंडीगढ़ नू भी हरियाणा नू भी पूरे भारत नू इहो जे लोगों नू अगे लियाना जे भारत नू बचाना जे संविधान नू बचाना तो ईमानदार लोग जो जमीन पर काम कर रहे हैं उन्होंने अगे लियाने का मौका आ गया और इस बार ये मौका साडा कमल लई डॉक्टर रितु जेकर जित जाती है एम पी बन जाती है तो एसी गड्डे नहीं घूमूगी लोगों के इवें ही विचरूगी जिम्मे हूँ विचर रही मेरा रिपोर्ट कार्ड पे 10 साल का जाकर देखो मैंने किसी को कहने की लड़ नहीं क्योंकि मैं इन्होंने क्यों नहीं घूमा मैं इन्होंने ही आई हाँ मेरा परिवार आ सारे जोड़े बस्ती अभी यहोजे घर तो ही निकल के उपर पहुंचे हैं टॉप यूनिवर्सिटीज़ तो अभी अपना पिछोकड़ कितना भूल जाइए जो इतिहास नहीं जानते वो कभी इतिहास बनाते नहीं तो इस करके असी बहुत ग्राउंडेड हाँ रूटेड हाँ इस करके असी अपनी सारिया चीज़ों नाल लैके चलना और लोगों का भला करना और मैं उस खुशी मिलती है और साड़ी विचारधारा साड़ा मैनीफेस्टो साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी ने उन्होंने सभना की गल की सभना के हकों की गल की सभना लैके चले कोई वितकरा नहीं कोई जाति पाति कोई उच्चा उपर थले नहीं और जोड़ा पिछे रह गया जोड़ा गरीब तबका जिन्हों को हक अधिकार नहीं मिले उन्होंने उन्होंने हक अधिकार दिलवाने मानस की जात सब एक पहचान वो इस फिलोसफी से असं काम करना है और सबनों जस्टिस इंश्योर करना है कोई भी वांझा नहीं रहूगा अपने हक अधिकार मैनीफेस्टो कहता साहब श्री गुरु ग्रंथ साहिब साड़ी पार्टी का मैनीफेस्टो यही होंगे बाकी एजेंडा क्लीयर ने बोलना नहीं काम करके दिखाना यही साड़ी पहचान है धन्यवाद इसी डॉक्टर रितु बीएसपी के उम्मीदवार जो कि अपना नामजद की अज चंडीगढ़ के सेंटर अस्पताल में भरना इन्हें तो हालांकि देखा जाए तो पूरे तौर पर कहा जा रहा है कि ग्राउंड के नाल जुड़ के काम जोड़ा वो किया जाएगा तो लगातार मेरा इतिहास भी कहें कि यही बोलता कि मैं ग्राउंड जुड़ी हाँ तो ग्राउंड के नाल ही जुड़ी रहा चंडीगढ़ तो जर्नलिस्ट सतांशु शर्मा के नाल संदीप सिंह अजीत वैब टीवी।